ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य। आज का दिन आपके लिए कैसे रहेगा खास? कौन से खास उपाय आपकी राशि के अनुसार आपको देंगे जीवन में उत्थान के योग और कौन से खास बातों से आपको बच के रहना है, ये सारी बातें आज की गुड लक में हम आपको बताने जा रहे हैं। पंचांग की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का दिन है, महीना है शुक्ल पक्ष फागुन का, और साथ साथ आज द्वादशी तिथि विद्यमान है, त्रयोदशी क्षय हो गई है। लेकिन आज की द्वादशी बेहद खास है क्योंकि आज त्रयोदशी का संयोग साथ में होगा क्षय होकर, तो भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अद्भुत रूप से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और आज की द्वादशी है पाप नाशिनी द्वादशी, यानी जीवन में कई प्रकार के कर्म होते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत भी आने के योग बन जाते हैं, तो साथ साथ गोविंद द्वादशी, सुसकृत द्वादशी, इन सबको आप कैसे संयुक्त रूप से लाभ लेने के लिए जीवन में शुभ योग बना सकते हैं, और साथ साथ अनंत विशेष प्रदोष व्रत भी है, तो उन सबका लाभ आप लीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार हम आपको बताएंगे तमाम उपाय। साथ साथ नक्षत्र कौन सा विद्यमान है ये भी जान लीजिए, बेहद खास मघा नक्षत्र विद्यमान है, शूल नाम का योग बना हुआ है। शुभ मुहूर्त का समय रहेगा आज 12:28 से लेकर 12:49 तक। राहु काल है वो भी नोट कर लीजिए, राहु काल रहेगा 10:55 से लेकर 12:27 तक। मां अंबे करेंगे कल्याण जीवन में, ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र होता है, कहा आपके जीवन में कहीं परेशानी चल रही थी एक क्षण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बादल आ जाते हैं ना एक सेकंड के अंदर, उसी प्रकार से जीवन में परिवर्तन आने में भी समय नहीं लगता, इसलिए परमात्मा का सदा ध्यान करने का प्रयास करें, उसकी कृपा जब हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आज किस राशि वाले के लिए कैसा खास दिन रहेगा जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों आज कोई बड़ा अधिकार मिलने के योग दिखाई देते हैं, कोई बड़ा कार्य आपके द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु आज आपके माता पिता को आपके द्वारा कष्ट हो सकता है, शांत रहकर उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें तो सब कल्याण होगा। भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा करें, बाद में केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, उनके चरणों पे छूके, कल्याण होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, परेशानियों को समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक कार्यक्रम आपके समक्ष रखा है। विकास जी का एक व्हाट्सअप मैसेज आ गया है, उन्होंने लिखा है कि उनको व्यापार में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको ऐसा लगता है नजर लग गई है, सालों से व्यापार लगातार उन्नति कर रहा था परंतु पिछले कुछ महीनों में लगातार डाउनफॉल होता चला जा रहा है। विकास जी, ग्रहों की चाल बदलती है, चिंता ना करें, हमने आपके प्रश्न को सुना और आपकी तमाम जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज बड़े सुंदर दिन आपने हमें प्रश्न किया है। आज गोविंद द्वादशी है, भगवान विष्णु का नित्यवती आपकी राशि के अनुसार से आपको उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आज घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी को खासतौर पर विराजमान करें और उनका श्री सूत के द्वारा पूजन करें और उनके समक्ष एक तेल का और एक दीपक का, खासतौर पर घी का दीपक जला दिया करें आज से, और केले के खासतौर पर फल का भोग उन्हें लगाएं और सत्यनारायण की पूजा विशेष तौर पर करें और श्री सूक्त का नित्य प्रति जप किया करें। देखिएगा व्यापार की स्थिति बिल्कुल, आपकी स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, जो आप कह रहे हैं ना कि नजर लग गई है वो भी दूर होगी, और भगवान विष्णु की पूजा से तो अद्भुत रूप से, महालक्ष्मी की पूजन से। श्री सूक्त मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जातवेदो महा, प्रभु जी के द्वारा लक्ष्मी जी की प्रार्थना किए गए मंत्र है, चमत्कारी है, जिसने भी किया उसके जीवन में अद्भुत रूप से भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हुई, तो क्यों चिंता करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मामले करेंगे कल्याण, वृक राशि वालों के बारे में बात करते हैं। आज आपकी सलाह यानी ओपिनियन जो होगा, आपकी एडवाइस होगी, उसकी सराहना होती लग रही है, आज लोग आपसे विचार विमर्श करते दिखाई दे रहे हैं, परंतु भाइयों से मित्रों से कोई ना कोई विरोध हो सकता है, इसलिए शांत रह के काम करने का प्रयास करें। व्रत परेशान भी कर सकते हैं वो लोग, आज शांत रहिए। आज पाप नाशनी द्वादशी है, आज बांस के पात्र का यानी बांस का बना हुआ कोई भी पात्र उसका दान करने से जीवन में कल्याण के योग बन जाते हैं, ये शास्त्र कहता है, करिए लाभ प्राप्त होगा। मामले करेंगे कल्याण, मिथुन राशि वालों का भाग्य क्या बताता है हम आपके समक्ष रखते हैं। ग्रहों की जो वर्णना है और खासतौर पे आज जुर्माने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, सरकारी कामों में कोई ना कोई पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है, इसलिए पहले से व्यवस्था करने का प्रयास करें। इच्छा पूर्ति होने के योग भी दिखाई देते हैं, इसलिए नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिएगा, अच्छी इच्छा मन में रखेंगे तो पूर्ण होगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, देखिएगा दिन पूरा शुभ होगा। मामले करेंगे कल्याण,
गन्नौर से राजेंद्र जी का एक मैसेज आ गया है और उनकी परेशानी उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जीवन में कष्ट कई प्रकार से उन्हें झेलने पड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए राजेंद्र जी, हमने आपके प्रश्न को सुना, आपके तमाम प्रश्नों को एनालाइज करने के बाद हमने आपके नाम के पर जब नजर डाली, आपके नाम की स्पेलिंग है राजेंद्र, RAJENDER, जोड़ निकलता है 25, ये संख्या किसी प्रकार भी आपके लिए शुभ नहीं बनती दिखाई दे। प्रारंभिक कार्य में बहुत जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा, कठिनाई आएगी और बहुत देर बाद कटु अनुभव के बाद तब जाके धीरे 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 सफलता मिलनी आरंभ होगी। या तो शांत होकर झेल लीजिए और नहीं तो हम दे रहे हैं परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन, RAJENDER। देखिए एक छोटा सा ई को आई बना दीजिए, सीधा ब्रिज बन जाएगा, आपके जीवन में कल्याण का योग बन जाएगा, जहां जर्क था वो दूर हो जाएगा और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कर लीजिए, कल्याण आपके हाथ में है, हमने तो आपके सामने प्रशस्त कर दिया मार्ग। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज शांत हो जाइए, अपमान के योग दिखाई देते हैं। आज किसी मित्र के कारण से कोई अपमान के योग बन सकते हैं, इसलिए शांत हो जाए। शाम को घूमने फिरने के योग भी दिखाई देते हैं, परंतु सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आंवले के खास तौर पर आंवले को लेकर दान करें, आंवले की पेड़ की जड़ में थोड़ा सा अगर हो सके तो अगर आंवले का पेड़ कहीं दिखाई दे जाए तो जल समर्पित करने का प्रयास करें। मैंने कहा पाप द्वाज नाशिनी द्वादशी है, तो इसलिए बहुत सुंदर योग बनेगा, यानी केवल आंवले के पेड़ पर जल समर्पित करने से समस्त पाप नाश हो जाते, शास्त्र कहता है, कर लीजिए, क्या जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं, एक पहले मैसेज ले लेते हैं। आज कविन जी का मैसेज आया है और उन्होंने मैसेज में लिखा है कि एक बात शास्त्र में कही जाती है और पुराने बुजुर्ग भी कहते थे, उसका वो निर्णय नहीं जानते किस लिए करना चाहिए, कि भोजन के तुरंत बाद मूत्र त्याग करने अवश्य जाना चाहिए, यानी लघु शंका के लिए जाना चाहिए, इसके लिए क्या कारण है वो जानना चाहते हैं। देखिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार से बहुत सारे रहस्य हैं जो सिखाए जाते हैं, हमें कौन सा काम किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और उन सब का सिद्धांत शास्त्रों के अंदर प्रमाणित किया गया है। आप जब भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत आपको अवश्य लघु शंका का शंका निवारण करने के लिए जाना चाहिए, और उस वक्त क्या करना चाहिए, हमारी एक पुरानी कहावत है कि जब यूरिन इत्यादि जाते वक्त आपको बोलना नहीं चाहिए, चेक करके देख लीजिए, किसी का दांत हिल रहा हो और उस दिन जब भी वो जितनी बार यूरिन जाए, तो जब यूरिन जा रहे हैं और उस टाइम पर आपका जो नीचे वाला दांत है ऊपर वाला दांत से स्पेसिफिकली दबा के रखें, तो देखिएगा वो दांत हिलना बंद हो जाएगा। और शास्त्र कहता है कि जब आप खाना खाने के बाद वॉशरूम जाते हैं तो आपके शरीर से जो आपकी बीमारियां हैं वो निष्कासित हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो धीरे धीरे स्वस्थ रहने के निमित्त आप ये छोटी सी प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करें। भोजन के बाद अवश्य आपको लघु शंका निवारण करने जाना चाहिए, जीवन से कल्याण के योग बनेंगे, बीमारियां दूर होंगी, स्वस्थ होंगे। छोटे छोटे रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, आप भी प्रश्न करें, आपके मन में कोई उठ रहा है प्रश्न जिसका निवारण आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो नंबर आपके सामने चल रहा है, आप इन कर सकते हैं, व्हाट्सएप हम देंगे निदान। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज का दिन शुभ दिखाई देता है, लाभ की सूचना देने वाला दिन, सूर्य उदय हुए हैं, निवेश का मन बना सकते हैं, भूमि निवेश या जमीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज में निवेश आपको बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है भविष्य में। मां लक्ष्मी पर लाल फूल समर्पित करें, द्वादशी है, कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं, लालगंज से गौतम जी का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि नौकरी में कई बार इंटरव्यू दे जा चुके हैं लेकिन कई बार यानी बार बार उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, इसी कारण से मानसिक तनाव से ग्रसित हो गए हैं, चिंता ना करें। देखिए सब कुछ जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ आपको, करिए जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। हमने आपकी जन्मपत्री देखी, आपकी मीन राशि के आधिपत्य जो है वो बुध का है और बुध वहाँ पर बड़े क्षीण होकर बैठ जाते हैं, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और वाणी पर जो प्रभाव है वो नहीं रह पाता है अच्छा, बुध वाणी के मालिक है, इसलिए बुध को मजबूत करने का प्रयास करें। प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा डाला करें और खासतौर पर अपने हाथ से खिलाएं, दालाएं पता नहीं खाए नहीं खाए, आप कोशिश करें अपने हाथ से खिलाने का प्रयास। कभी कभी छोटी कन्याओं को हरी चूड़ी का या हरे वस्त्र का उनको उपहार दे दिया कीजिए, देखिए भाग्योदय में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। साथ साथ अच्छी क्वालिटी का पन्ना भी धारण करें, देखिए इन सब उपायों से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, कन्या राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज अनबन के योग दिखाई देते हैं, पिता पुत्र में शायद नहीं बनेगी, इसलिए शांत रहकर पिता का सम्मान करने का प्रयास करें। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण अधूरा रह सकता है, लाख प्रयत्न करने पर भी कोई रास्ता निकलता है दिखाई दे रहा है, परंतु चिंता ना करें, प्रयास करें। आज सुकृत द्वादशी है, शुभ प्राप्त करने के लिए आज उपवास करना चाहिए, शिव का अभिषेक शाम को प्रदोष काल में कर लेना चाहिए, आपके जीवन में सुख योग बनते हैं, जीवन में कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। फरीदाबाद से विनय जी का मैसेज आया और उन्होंने देखा है एक विचित्र प्रकार का सपना। सपने में उनको अपनी आंखों को खुजाते हुए देखा, यानी आंखों में हल्के से इस प्रकार से रबिंग करते हुए देखा। बड़ा अच्छा है सपना, चिंता ना करें, धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नेत्र खुलते दिखाई दे रहे हैं, नेत्र में कुछ नया प्राप्त हो सकता है, आपके ज्ञान का उदय हो सकता है, तो इसलिए चिंता ना करें। और द्वादशी तो है ही, इसलिए आज चावल का दान कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। इसी प्रकार से एक और व्हाट्सएप मैसेज आया है सुलभ जी का, और उन्होंने लिखा है कि सपने में उन्होंने देखी चींटियां। देखिए, सपने में चींटियां देखना शुभ नहीं होता, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में कोई परेशानी, कोई समस्या आपके समक्ष आती जा रही है और उसमें आप उलझ सकते हैं, तो इसलिए खासतौर पर उपाय करना चाहिए। बाई चांस आज प्रोदोष काल भी है तो आज भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, दूध से अभिषेक कर लीजिए, देखिए अद्भुत रूप से निवारण प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक करें, या यदि पंडित जी अच्छे विद्वान पंडित जी मिल जाए तो कोशिश ये करें पुरुष सूक्त के द्वारा या रुद्र सूक्त के द्वारा उनका अभिषेक कर लीजिए। 16 मंत्र है, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। तुला राशि वालों का भाग्य क्या कहता है जान लीजिए। आज दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, सफलता में थोड़ा संशय है, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। आज किसी को कर्ज चुकाना पड़ सकता है, धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। उपाय कर लीजिए, लाभ प्राप्त होगा, खट्टे भोजन का सेवन ना करें और साथ गन्ने के रस के द्वारा अपनी इच्छा मन में रखते हुए भगवान का अभिषेक करें, कल्याण होगी। हम भी करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप मैसेज की लगातार बाढ़ सी आदि चली जा रही है। अमिता जी का एक मैसेज आया, उन्होंने परेशानी लिख के भेजी है। उन्होंने कहा कि जीवन में कई प्रकार से बिना मतलब का तनाव उन्हें घेरे रहता है। देखिए अमिता जी, जीवन बड़ा विचित्र है, हम अपनी समस्या को किस प्रकार से देखते हैं सब कुछ उस पर निर्णय निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाई है, पूरे विश्व में हमारे योग को पहुंचा दिया है, तो आप कोशिश ये करें एक आसन, उन्हीं का किया हुआ आसन मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, जो कहा जाता है अष्टांग नमस्कार, समर्पण। तनाव जब हो जाए ना तो समर्पण कर देना चाहिए और समर्पण से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार का 7th पोज है, किस प्रकार से आपको यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी करके दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरा 8 अंग, अष्टांग यानी 8 अंग जमीन पर लग जाए और इससे बड़ा समर्पण क्या सकता है। हम तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम समर्पण करना नहीं चाहते। समर्पण करना यदि वास्तविक तौर पे आ जाए, परमात्मा पे छोड़ दीजिए ना, अरे जो होगा जाहि विधि राके राम ताहि विधि रही है, फिर काहे चिंता। जब कहा जाता है कि शास्त्रों में परमात्मा की इच्छा से कुछ के बिना कुछ होता नहीं है, तो जो हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है, तो एक रोटी फालतू खा लीजिए, चिंता ना करें। और ये अष्टांग प्रणाम आसन नित्य प्रति सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले करके देखिए, देखिए धीरे धीरे मन में समर्पण का भाव अवश्य उदय होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मामले करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज योग्यता का लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है, आपकी योग्यता आपकी पहचान बन सकती है, इसलिए आज आलस्य मत रहिए, लग जाइए काम पे, आपका दिन अच्छा होगा। भाइयों से थोड़ी अनबन होने के योग दिखाई देते हैं, मीठे का भोग लगा लीजिए, कृष्ण के विभिन्न नामों से उनका स्मरण कर लीजिए, देखिएगा रास्ता अद्भुत रूप से प्राप्त होगा। मामले करेंगे कल्याण। अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्दी टिप के बारे में। हेल्दी टिप्स में हम आजकल आपको विभिन्न रूप के भारतीय पेयों के संबंध में बताते हैं, और ऐसा ही पेय लेके आए हैं, आपने भी बहुत पिया होगा और जैसे ही उसके समक्ष सामने आता है तो लगता है ले ही ले इसको, बड़ा अच्छा लाभदायक ठंडा ठंडा होता है, पिस्ते का दूध। दूध में पिस्ते को जिस प्रकार से घोट कर ये बनाया जाता है, केसर युक्त करने के बाद देखिए कितना सुंदर रंग ही इतना सुंदर हो जाता है, अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है, रोगों से बढ़ने बचने की क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देता है, साथ साथ आपके जीवन में बुद्धि का उदय करता है, और दूध तो है ही इसमें, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इत्यादि समस्त रूप से विद्यमान हो जाते हैं, तो हृदय के बहुत सारे विकारों को दूर करने के लिए देखिए कोशिश ये करें इसमें जो दूध लें तो आप यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप डबल टोन दूध ले लीजिए, लेकिन स्वाद तो वही आएगा। देखिए बहुत बढ़िया पिस्ते का दूध जो है उसको सेवन करने से शास्त्र कहता है पौरुष में वृद्धि होती है, और खासतौर टेस्टोस्टेरोन जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनमें भी उसकी वृद्धि करने में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है, तो शाम के समय गर्म रूप से पीने से इसमें अद्भुत रूप से पौरुष की वृद्धि होती है और जीवन में कल्याण के योग बनते हैं, तो इसलिए इतने सुंदर सुंदर पेय आपके भारतीय संस्कृति में विद्यमान है और हम भूले बैठे हैं, तो हम कल फिर लाएंगे आपके लिए और अच्छा पेय, इससे भी अच्छा पेय लेने वाले हैं कल, तो आपके उन पेयों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए और अपनी संस्कृति पे अभिमान कीजिए कि देखिए हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था की थी। राशियों की बात भी कर लेते हैं। धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज कुछ अलग करना चाहते दिखाई दे रहे हैं, रोजमर्रा के काम में आपका मन नहीं लगता है तो वो दिखाई देता है, धनु राशि वाले हैं, और थोड़ा कुछ
ज्यादा एनर्जी वाले रहते हैं और आपके लिए अच्छा रहेगा दिन, धन का उपयोग करने के लिए अच्छा समय रहेगा। परंतु कफ रोग परेशान कर सकते हैं। देखिए कोविड भयावह रूप से कहीं गया नहीं है, शांत होकर घर में बैठे और साथ साथ होलाष्टक भी चल रहे हैं, मंदिर में खट्टे फलों का दान करें, अपने माथे पर भस्म का टीका लगाएं, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। एक और व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं, लाल कुआं से रजनी जी का मैसेज आया है और रजनी जी ने जो लिखा है कि उनके जीवन में सीधी सादी जीवन में विश्वास रखने का प्रयास करती हैं, परंतु सुविधाओं से उनका जीवन थोड़ा विमुख होता चला जा रहा है, यानी सुख मन में जीवन में आ नहीं पा रहा, अनुकूल नहीं चल रहा है। रजनी जी, हमने बहुत तेज से आपके जो प्रश्न है उसको एनालाइज करने का प्रयास किया। आपने अपना नाम लिखा है रजनी कुमारी, RAJNIKUMARI, बहुत सारे लोग आपको इसी नाम जानते होंगे। हमने जब इसका जोड़ देखा तो बड़ा विचित्र आया, 26 नंबर का जोड़ आया और इसके लिए दिखाई देता है कि विपत्ति का उदय, संकटों का उदय और इसकी पूरी पूरी संभावना आप इस नाम से, इस नंबर से दिखाई देती है। तो इन स्पेलिंग्स को थोड़ा बदलने का प्रयास करें, विशेष रूप से अधिक बोलने वाले लोगों से सावधान रहने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आपका साथी, आपके साथ काम करने वाला ही आपको परेशान कर देगा। आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, कुमारी हटा दीजिए ना, तो बिल्कुल रजनी, आप वैसे ही नाम बड़ा अच्छा है इसलिए रजनी RAJNI रखिए और देखिएगा, और फिर हमें अवश्य व्हाट्सअप करके ही बताइएगा कि क्या आपको लाभ हुआ नहीं हुआ। मेरा निर्णय है और ज्योतिष विज्ञान का जो हमारा ज्ञान है उसके अनुसार से हमने अपने अनुभव के द्वारा देखा है कि लाभ होना निश्चित है। करिए परिवर्तन बहुत जल्दी। एक पुरानी कहावत है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो कर लीजिए, क्या जाता है, आपका कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, हमने आपको निवारण दे ही दिया है। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज बुद्धि थोड़ी कम यूज करते दिखाई दे रहे हैं, काम में बुद्धि लगाने का प्रयास करें। आराम करने के लिए योग अच्छा दिखाई देता है परंतु यात्रा परेशान कर सकती है। धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। प्रदोष काल है आज, आज प्रदोष का योग है, जो त्रयोदशी शाम को आ जाती है तो प्रदोष बन जाता है। भगवान शिव का अभिषेक करें जल से और खासतौर पर बिल्व पत्र समर्पित करें, कल्याण होगा, जीवन के कष्ट दूर होंगे। मांबे करेंगे कल्याण। बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की। सीकर से भानु जी ने व्हाट्सएप मैसेज लिखा है और वो है परेशान थायराइड से। थायराइड एक एंडोक्राइन सिस्टम की तकलीफ है और जिसके कारण से उसमें बढ़ने और घटने से शरीर में कई प्रकार की समस्या आ जाती है। तो हम दे रहे हैं जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाली एक मुद्रा, कूर्म मुद्रा। ये कूर्म मुद्रा है, कूर्म यानी कच्छप, स्थिरता प्रदान करता है। भगवान ने जब अवतार लिया और खासतौर पर सागर मंथन हुआ तब भी कच्छप अवतार से, ये कूर्म मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से देखिए कैसे मैंने रखा है कि तीन उंगलियां मोड़कर दो उंगलियां इस प्रकार से अंगूठा और उंगली रखी और उसके ऊपर से दूसरी उंगली हाथ रख दिया, ये कूर्म मुद्रा बन जाती है। चलते फिरते नहीं कर सकते, बैठ के ही करना होगा। इस मुद्रा को करने से जो आपके शरीर में जो एंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ी दिक्कत होने जा होती रही है उसमें धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त होगी और परेशानी दूर होने के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आज यात्रा के योग दिखाई देते हैं। परिवार पर थोड़ा धन खर्च अधिक हो सकता है, स्वास्थ्य परेशानी कर सकता है, पानी से सावधान रहेगा। बहुत अच्छे से घर के बाहर का पानी मत पीजिएगा, देखभाल के पिए तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तांबे के पात्र में खीर भरकर आज दान करने से शास्त्रोक्त विधि से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आज पाप नाशनी द्वादशी है, ये शास्त्र का उपाय है, करिए कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज दुख सुख दोनों के योग बराबर दिखाई देते हैं। आज बच्चों की थोड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है, परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे। शंकर पार्वती की एक साथ पूजा करें, द्वादशी है और सुकर्मा द्वादशी भी है, तो इसलिए शुभ लाभ लें, जीवन में कल्याण के योग बने। तो अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और कल का दिन क्या कुछ करने वाला है आपके साथ पहले से जान लीजिए उपाय। हम आपके साथ रहेंगे कल सुबह इसी समय पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। ओम भृगुराजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्।